दहेज न लाने पर बहू को कीटनाशक पिलाकर मारने की कोशिश, महिला थाने में दर्ज करवाई शिकायत। साहब, मेरे पति ट्रक चलाते हैं और बीते 3 महीने से वो बाहर हैं। इसी दौरान मेरे देवर और ससुर ने मुझे कीटनाशक पिलाकर जान से मारने की कोशिश की। ससुर और देवर मुझसे दहेज मांगते हैं, ना देने पर मेरी मारपीट करते हैं। नेहा कुशवाहा पत्नी दिनेश कुशवाहा निवासी वार्ड नंबर 38 शिव शक्ति नगर शिवपुरी ने SP को दिए आवेदन में बताया कि उसके पति ट्रक चलाते हैं, 3 माह से बाहर गए हुए हैं। वह अपनी सास ससुर और देवर के साथ रह रही है। 5 जुलाई को रात के लगभग 11 बजे वह अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक ससुर और देवर आ गए और मारपीट करना शुरू कर दी। नेहा ने बताया कि अचानक हुए हमले में वो घबरा गई और उसी समय ससुर व देवर ने हाथ में ली हुई कीटनाशक की शीशी उसे पिलाना चाही, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इसके बाद दोनों ने गाली गलौज की और ये कहते हुए कमरे से बाहर चले गए कि आज तो तू बच गई, आखिर कब तक बचेगी। महिला ने ससुर कल्लू कुशवाहा और देवर देवेंद्र कुशवाहा निवासी शिव शक्ति नगर के खिलाफ कार्यवाही कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज व संरक्षण करने की मांग की है। क्या समस्या लेके आई थी आप? जी, हमारे पति है ना, बाहर रहते हैं और दहेज की धमकी देते हैं। हमारे आने की दहेज लाओ, गाड़ी लाओ। कौन धमकी देता है? सुसर और देवर। क्या कहते हैं? बोलते हैं गाड़ी लाओ और पैसे वगैरह लाओ। कहाँ से ला के दें, गरीब मई हो आप हैं। भैया को उठाने की धमकी देते हैं, भैया को कुछ हो जाएगा तो। कितना बड़ा भाई है आपका? 11 साल का है, अकेला है। वही वो तो कहीं पर अभी घूमता रहता है, उठ जाएगा तो किसकी जिम्मेदारी? शादी कब हुई थी आपको? 5 साल पहले। शादी में कुछ दिया नहीं था? दिया था, कम दिया था। अब बोलते हैं गाड़ी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पैसे लाओ, कहाँ से दे। गरीब मई हो आप, मजदूरी करते हैं। पति कहाँ रहते हैं आप? पति बाहर रहते हैं, ट्रक चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर है। तो आपने इसकी शिकायत थाने में की थी? हाँ, थाने में की थी, कुछ कार्रवाई। कल क्या हुआ था आपके साथ? कल यही हुआ था, जहर पिलाने की कोशिश। कैसे पूरा घटनाक्रम था बताइए। मैं अचानक सो गई थी, घर में सब दारू पी के आया था, बोल रहा था गेट में धक्का दिया उसने, गेट खोला, धक्का गेट में धक्का दे के डालने लगा जहर की, बोला ये पी ले। उसने नहीं पिला पाई तो देवर आ गया, देवर ने खोला मेरा, तो मैंने उसमें ढक्का दिया तो सीसी नीचे गिर गई थी। इस बीच सास कहाँ गई थी? सास घर पे थी, बोलने कुछ नहीं बोला, बच्चे को खिला रही थी, बाहर खिला रही थी।